बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, इमरान खान के ऊपर एक और बहुत बड़ा अल्जाम लग गया है, यानी कि लतीफ खोसा के घर में जो फायरिंग हुई थी 16 तारीख को, वो इमरान खान ने कराई, यानी कि इमरान खान के आदमियों ने कराई। उसने लाइव आके अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया कि मुझे जुबैर नियाजी ने 10 लाख रुपया, उसके साथ मेरी डील हुई थी 10 लाख में, जो उसने 1 लाख रुपया दिया कि लतीफ खोसा के घर में जाके फायरिंग करो। अब नाजरीन, अगर हम इमरान खान की मुखालफत करते हैं तो ये हमारे लिए इतना काफी है कि ताबड़तोड़ हम इमरान खान के ऊपर हमले कर दें, और करने भी चाहिए, और उसके ऊपर उम्मीद भी नहीं है कि वो, इमरान खान बहुत आगे निकल चुका है, अब अदारों के ऊपर फर्ज बन चुका है कि इस फितने को खत्म करें। फर्ज समझते हैं ना, लाजिम हो गए, हर सूरत में लाजिम हो गया, अगर वो इसको खत्म नहीं करते तो फिर उनको, वो बहुत बड़े मुजरिम है। नाज़रीन, सबसे पहले उसका बयान सुनते हैं, फिर अपना तजिया पेश करते हैं कि क्या वाकिया जुबैर नियाजी ने उसको कहा है या नहीं कहा है, या पुलिस वाले वैसे जबरदस्ती उससे बयान दिलवा रहे हैं, ये भी मुमकिन है, पुलिस वाले कुछ भी करा सकते हैं। अब तो इमरान खान की हालत ऐसी हो गई है कि कोई भी, कि जैसा कि थाने में कोई एक चोर पकड़ा जाता है ना, जब उसके ऊपर एक केस साबित हो जाए तो फिर उस इलाके में जितनी भी चोरियां होती हैं उसके ऊपर डाल देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान के ऊपर एक और केस बनाने की तैयारी हो रही हो? लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले सुनो कि इस मोहसिन उर्फ लंबू ने क्या इंकशाफ किया है, फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सामने साबित करूंगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो आगे बात करेंगे। पहले सुनो कि वो मोहसिन उर्फ लंबा क्या कहता है। मेरा नाम मोहसिन उर्फ लंबा है, समनाबाद रोड का मैं रहिशी हूं। 16 तारीख 1:30 बजे DHA गाजी रोड के कोल लतीफ खोसे के घर जी फायरिंग हुई है, मैं की मेरे नाल काशिफ हुंदा सी, बाइक ते असी दो जने हले सां। जुबैर नियाजी ने फायरिंग करन दा मैनू कहा सी, उस तो बाद 10 लाख रुपए दा इन्हें मैनू कहा सी कि मैं 10 लाख तेनू दवांगा, इन्हें मैनू 1 लाख रुपया दिता है, बाकी पैसे लतीफ ने मैनू नहीं दिते। नाज़रीन, मोहसिन उर्फ लंबू क्या कहता है कि मुझे जुबैर नियाजी ने 10 लाख रुपए दिए, कहा कि मैं आपको दूंगा, 1 लाख उसने दिया है और अभी 9 लाख बाकी है, मैंने लतीफ खोसा के घर में फायरिंग की और काशिफ नामी मुंडा भी मेरे साथ था। अब ये बात सामने हो गई, जो है इमरान खान के मुखालिफ उनके लिए काफी है, सियासी बहस शुरू हो जाएगी, यूट्यूबर बैठ जाएंगे, वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, और जो इमरान खान के सपोर्टर है या जो इमरान खान है वो, उसने बस सिर्फ इतना कह रहा है कि ये झूठ है, ये साजिश है, ये हैंडलर है, वो जबरदस्ती बयान दिलवा रहे हैं, बस सिर्फ इतना यूथियों ने कहना है और बस वो जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं कि लतीफ खोसा के घर में इमरान खान फायरिंग क्यों करवाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, के लतीफ खोसा के घर में इमरान खान अफसोस के लिए गए, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अब नाज़रीन देखना यह है कि इससे मुझे कम अज कम ऐसे लगता है कि ये 110% ये मोहसिन सही बोल रहा है। उसकी वजह क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है कि इमरान खान की तारीख उठा के देख लो, वो कभी भी किसी अपने दोस्त के घर में, जो उसका बचपन लगोटिया यार हो या उसके रिश्तेदार हो, वो किसी के घर में नहीं जाता है अफसोस करने के लिए, या कोई मर जाए भी उसके घर अफसोस के लिए नहीं जाता है, किसी के घर भी नहीं जाता है। और वो अरशद शरीफ को कत्ल करा के, मैं आज इस बात के ऊपर कोई कुछ भी कहे, मैं झूठा भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे 1% भी डाउट नहीं आया कि अरशद शरीफ का कत्ल इमरान खान ने नहीं कराया है, PTI ने ही कराया है। और आप लोगों ने देखा था कि पूरी, यानी कि PTI अरशद शरीफ के घर में पहुंच गई थी, दूसरे दिन इमरान खान भी पहुंच गया था। भाई एक सहाफी है, उस सहाफी से पूरी PTI को इतनी मोहब्बत क्यों है, और उसी दिन से लेकर आज तक उनके मुंह से अरशद शरीफ, वजह क्या थी कि मीडिया के जो लोग हैं, सहाफी जो लोग हैं, उनकी हमदर्दी हासिल करने के लिए कि देखो जी, सहाफियों ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज उठाई और एस्टेब्लिशमेंट ने सहाफी को मरवा दिया। पाकिस्तान में सहाफत को इस्तेमाल किया जा रहा था और इंटरनेशनल लेवल पे सहाफियों को पैगाम दिया जा रहा था कि पाकिस्तान में सहाफियों के साथ क्या होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हर आदमी यूथिया नहीं है, हर आदमी ने पहले दिन ही समझ लिया था, किसी सहाफी ने
अरशद शरीफ के लिए अमली तौर पर सीरियस, हाँ रवायती तौर पर बयान सबने दिया है लेकिन कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई बड़ी तहरीक नहीं चली अरशद शरीफ के लिए। सबको मालूम था कि ये इमरान खान ने किया है और अपने जाती मफाद के लिए किया है। अब लतीफ खोसा ने कि पिछले एक दो तीन महीने से देख लो कि लतीफ खोसा पीपल पार्टी से अलग हो रहा था और वो ज्यादातर जो बातें कर रहा था वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहा था, एस्टेब्लिशमेंट को वो आड़े हाथों ले रहा था लतीफ खोसा, और ताल्लुक उसका वकला बरादरी से है, वकला बरादरी पाकिस्तान की पंजाब है और बदमाश लोग हैं। तो इमरान खान ने डबल गेम खेली कि एक तो इसको मरवा के हमदर्दी हासिल करेंगे कि जी ये मेरा केस लड़ रहा था वगैरह ये है वो है, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल देंगे कि देखो ये जो लतीफ खोसा है ये यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था और एस्टेब्लिशमेंट ने इसको मरवा दिया है, यानी कि और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा। तो नाज़रीन ये सब चीजें देख के काफी हद तक हकीकत नजर आती है कि वाकया ही इसके पीछे इमरान खान का हाथ हो सकता है, जुबैर नियाज़ी का हाथ हो सकता है, क्योंकि ये लतीफ खोसा को इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन नाज़रीन अगर ये सच है, मुझे तो कम अज कम ये सच लगता है, तो पाकिस्तानी अदारों के ऊपर फर्ज हो चुका है कि इस फितने को खत्म करें, क्योंकि इमरान खान कल DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उसने कितने PTI के रहनुमा हैं जिनके वीडियोस बयान मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर कि वो कोई लाहौर कोर कमांडर के ऊपर, कोई पेशावर, कोई मियांवाली एक दूसरे को यानी कि आवाम को आगे करके भड़का रहे हैं, सबूत मौजूद हैं। लेकिन इमरान खान हमेशा TV के ऊपर बैठ के एक ही बात करता है कि जी ओपन ट्रायल होना चाहिए, मेरे पास भी सबूत है। भाई अगर आपके पास कोई सबूत है तो सोशल मीडिया पे वायरल करो ना, लोगों को मालूम पड़े, लोगों का एतमाद बहाल हो कि यार इमरान खान भी जो बात कह रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ हकीकत है। लेकिन वो सिर्फ यही बात करता है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए और मेरे पास भी सबूत है, मैं साबित करूंगा। किस तरह साबित करेगा? जिस तरह इसने आर्मी के ऊपर अपने कत्ल का इल्जाम लगाया कि मुझे ये कत्ल कराना चाहते थे, जब JAT के सामने बैठा तो सब चीज तस्लीम कर ली कि हाँ मैंने कंटेनर पे कहा है, मैंने तकरीरों में कहा है कि फौज मुझे मरवाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है, मैं सुनी सुनाई बात फला आदमी ने की, मैं उसको सुन के मैंने कह दिया, लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अब वो कहता है कि ओपन ट्रायल होगा तो मैं साबित करूंगा। साबित नाज़रीन इसने नहीं करना है, फितना इसने तैयार किया हुआ है, सिर्फ इसने इतना कहना है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है, तो जूठी मान जाएंगे। लेकिन जूठियों के हाल इस टाइम ऐसा है कि उनको अक्कल से वो इतने फारग हो चुके हैं कि भाई अगर आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर है कि वो PTI रहनुमाओं के ऊपर भी प्रेशर डाल रही है, पाकिस्तानी दूसरे अदारों के ऊपर भी प्रेशर डाल रही है, जुडिशरी के ऊपर डाल रही है, जब कोई भी मुजरिम पकड़ा जाता है उसके ऊपर प्रेशर डाल के इमरान खान के खिलाफ आवाज यानी कि उठवा रही है, तो इमरान खान को बिल्कुल जीरो कर दिया है, तो फिर आप ताकत को मान जाए ना, आप दीवार के साथ टकरे क्यों मार रहे थे? जब आप में इतनी हिम्मत नहीं थी तो आप एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर क्यों ले रहे थे? आप जहाज एक साल से अवाम को बेवकूफ क्यों बना रहे थे? यानी पाकिस्तान का एक मजबूत तरीन अदारा है उसके खिलाफ तो आपने बगावत की है ना, बगावत तो आपकी साबित हो गई है। तो लिहाजा नाज़रीन मेरा ख्याल है कि इमरान खान दलदल में मजीद फंसता जा रहा है, उसके वापसी के जो चांस है ना मुझे तो कम अज कम नहीं लगते, पर देखते हैं नाज़रीन आगे क्या होता है। रबे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।